ये 25 तारीख को शाम के टाइम में 7:45 के आसपास हरिशंकरपुरम कॉलोनी जो है हमारी थाना झांसी रोड में, इसमें एक बुजुर्ग महिला जो अपने घर के गेट पर खड़ी थी, उनसे एक लड़का जो है जो मुंह बांधा हुआ था वो आया पास में, पता पूछने का बहाना किया उसने, वो जब झुकी तो उनका चैन छीन के भाग गया है। और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, इस पर काफ़ी इस घटना को गंभीरता से लिया गया। और इसमें अखिलेश रेनवाल जो एडिशनल चीफ प्रभारी हैं, CSP हिना खान और TI हरेन शर्मा, इनको भी निर्देशित किया गया था। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने सबने इसमें जो देखा, इसमें जो हमारी टीमें लगी थी उसमें सब इंस्पेक्टर अवधेश कुशवाहा, गौरव राजौरिया, SI उमेश शर्मा, रिवेंस अखबार, और इन सब लोगों ने लगातार पूरे आसपास के क्षेत्रों में पता किया, जो भी बदमाश पुराने हैं उनके बारे में जानकारियां ली गई। तो इसमें एक व्यक्ति जो पुराना बदमाश है उसको आसपास देखा जाना पाया गया। इसकी तलाश करने पर और इसके बारे में जानकारी उठाने पर इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ करने में इसने घटना करना स्वीकार किया है। ये पूर्व में भी ये व्यक्ति जो आरोपी है पहले भी एक घटना किया था इसने पड़ाव थाना क्षेत्र में, जिसमें वो सितंबर में छूटा है जेल से, और उसमें भी चेन स्नेचिंग इसने अकेले ही की थी। अभी जो घटना का कारण का यही बताता है कि मेरा खर्चा वगैरह नहीं चल रहा था और मेहनत करने के बजाय ये सोने की चेन जो है जो काफ़ी कीमती होती है, तो वो इसीलिए उसको लगा कि मेरे को जल्द ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और मैं अपने काम निपटा लूँगा, तो उस हिसाब से इसने ये हरकत की थी। और अपने हिसाब से पैदल चल के वो आया था ताकि कोई किसी तरह की उसकी पहचान नहीं हो पाए और चेहरा ढक ले। इसमें हमारी टीम ने बहुत लगातार मेहनत करके इस केस को मुश्किल से तीसरे दिन में ही खुलासा कर लिया है, 2 दिन के अंदर ही खुलासा कर लिया। इस टीम को हम लोग 10,000 का कैश अवार्ड देंगे सारी टीम को, जो उन्होंने अलग अलग मेहनत करके इस केस का पता लगाया है। और जो बुजुर्ग महिला है उससे काफ़ी वो प्रसन्न हुई हैं और उनको अच्छा लगा है, उनको पुलिस की टीम को पूरा धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।